नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश सिंह और आप देख रहे हैं लाइव उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रामपुर में तैनात एडीएम अचानक छुट्टी पर चले गए हैं। इसके पीछे सपा नेता आजम खान का खौफ बताया जा रहा है। बता दें कि बीते दिनों एडीएम जगदम्बा प्रसाद गुप्ता ने एसपी को पत्र लिखकर आजम के समर्थकों की तरफ से खुद की जान को खतरे की आशंका जताई थी। इसके अलावा एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने भी खुद की जान को खतरा बताया है। आप भी देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दोनों अधिकारियों ने एसपी को लिखे पत्र में अनहोनी की आशंका जताते हुए आरोप लगाया था कि उनके घर और ऑफिस में रेकी की जा रही है। अधिकारी इसे निजी कारणों से अवकाश बता रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक हलके में इसे उनके पत्र से जोड़कर देखा जा रहा है। रामपुर में सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी आजम खां और प्रशासनिक अफसर पिछले काफी समय से आमने सामने हैं। चुनाव से पहले उर्दू गेट तोड़ने, जौहर विश्वविद्यालय कैंपस की दीवार तोड़कर बिजली घर कब्जा मुक्त कराने और मदरसे के कमरे खाली कराने से शुरू हुआ विवाद चुनाव के दौरान और तीखा हो गया। प्रशासन की सख्ती के बाद आजम के तेवर अफसरों के प्रति और उग्र हो गए। इस दौरान आजम के खिलाफ 16 मामले दर्ज किए गए। आजम खां अफसरों पर कई दफा पहले चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लगा चुके हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव उत्तर प्रदेश लखनऊ।